मैं रामपाल शर्मा, मेरी पत्नी श्रीमती शुभलता इत्थे दा सरपंच ने जी। साडा पिंड खेड़ा गमोट है जी, तहसील लंगाला डिस्ट्रिक्ट रोपड़ ते ब्लाक मूलपुर जी। साडे हलके दे विधायक राणा कंवरपाल सिंह जी, राणा के पी सिंह जी स्पीकर पंजाब विधानसभा के, उन्हां दा बहुत वड्डा सहयोग है साडे हलके नूं, साडे पिंड नूं, क्योंकि जो भी विकास पिंड किया जा होया उन्हां दी बदौलत ही होया। उन्होंने साडे पिंड नूं काफ़ी पैसे दिए, बहुत सारिया ग्रांटा दित्तियां, यानी कि यह कह दी है कि जिस चीज़ की अं ग्रांट मंगी सानूं कदी मना नहीं किया, सानूं हर तरह की सहयोग उन्हां वल्लों मिले। वातावरण शुद्ध करने वास्ते सरकार ने जो पिछले साल 550 बूटे लगाने गया सी, असीं वो 550 बूटे लगाए जी, ते रोड दे सड़क दे किनारे किनारे भी लाए, पिंड दी जिथे बिजली जगह सी उत्थे भी लगाए। तो साढ़े उन्होंने 550 दे विचों तकरीबन 250-300 बूटा कामयाब भी होया। कुछ कारण रहे जंगली जानवरों के करके, साढ़े नाल इत्थे जंगल पैंदा पहाड़ लगता, उहदे करके जंगली जानवर जिहड़े बैन गवां सूर वगैरह जिहड़े नीले वगैरह उन्होंने बूटियां दा नुकसान किया, काफ़ी बूटे टुट गए खराब हो गए, पर काफ़ी हद तक बूटे साढ़े वो कामयाब भी हुए। देखो जो अज का समा है जी, देखो करोना दे इस टाइम दे विच ऑक्सीजन की कमी आई, पहली बार किसी ने सुनया जी भाई, अज तक जो चलो साड़ी भी जिन्नी उम्र हुई वो तो पहला भी कदों सियाणियां तो भी कदे नहीं किसी तो सुनया कि ऑक्सीजन की कमी आ जाए, जो कि मनुख की मुढ़ली लोड़ है जी, तो बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता। ऑक्सीजन की ही कमी आ जाना एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा सोचने की गल है। तो ये वास्ते देखो असी कह सकते वातावरण का ही बहुत बड़ा योगदान है, जेकर असी वध बूटे लगावे पेड़ लगावे तो असी ऑक्सीजन की कमी पूरी कर सकते, नहीं तो आने वाले समय के सानू इहदा बहुत वड्डा नुकसान होना, साडे बच्चों आने वाले समय बहुत वड्डा नुकसान होना। सानू वध तो वध जिहड़े पेड़ है बूटे है लगाने चाहिए, वातावरण भी शुद्ध होंदा, हरेक तरह के प्रदूषण को कंट्रोल करता, तो ऑक्सीजन की कमी को भी असी सिर्फ बूटे लगा के ही पूरा कर सकते, होर तो कोई हल है नहीं। देखो जिमीदार आप है, जिमें कि तुहानू पता कि जिमीदारां नूं कमाइयां रहियां नहीं, जिमीदार जिहड़ा करदा उहनूं बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पैंदा। उहनूं देखो जी फसल नूं उदो अपने बच्चों वाग पालदा जी, कई अपने 70% ही ला लीए कि जिमीदार अपने सिर्फ जिमीदारी से ही अपने बच्चे पालते, उन्होंने बिजनेस है, उन्होंने काम है, वो धंधा है उन्होंने खेती, वो करके ही करते पूरे देश का ढिड भरते जी। पर देखो इदा का माड़ा समा आ गया कि जी सेंटर सरकार बैठी है, उन्होंने देखो ये जो 3 बिल पास किए, सारे पता बच्चे बच्चे पता ये नुकसानों बारे, चलो कि देखो जे बिल पास होने जिमीदारा जो खत्म हो जाएगा, जिस नुकसान लगता कि जो बड़े कोऑपरेटिव घराने है वह आके साड़ी जमीन के कब्जे करेंगे, वो अपने तरीके करेंगे सारा कुछ। देखो जो सारा पंजाब क्या बाकी स्टेटा के जिमीदार भी चाहते नहीं कानूनों, तो देखो इन्होंने कानूनों को रद्द करना चाहिए, ये बहुत बड़ी गल है कि 7 महीने हो गए इस देश के डिक्टेटरशिप चल रही है। जे लोकतंत्र हों द्वारा लोगों की चुनी हुई सरकार होंगी तो लोगों की गल भी सुननी चाहिए ना, इन्ने लोग उत्थे बैठे है, मेरा तो यही कहना चाहता कि इन्हों रद्द करके किसान अपने घर अपने परिवारों में आन, देखो 500 के करीब उत्थे किसान मर गए, उत्थे किड्डा बड़ा नुकसान है, अपनी फसलों तबाह हो गई, फसलों नहीं देख पा रहे, सब कुछ कर रहे, बहुत माड़ी गल है जी। ये छेती बिल जोड़े है जी, सरकार को सोच के ये बारे रद्द कर देने चाहिए, जो लोग नहीं चाहते जिमीदार नहीं चाहते, जिमीदारा वास्ते है बिल तो जिमीदार नहीं चाहते तो उन्होंने रद्द कर देने चाहिए। देखो वो मजबूरी बन जाती जी कितने ना कि जिमीदार की, जरा तो कोई छोटा जिमीदार है 1 किले 2 किले 2.5 किले वाला, वो तो देखो अपनी कणक अपने हाथी भी बढ़ लेंदा, मजदूर ला के बढ़ लेंदा, बढ़ के उसकी तूड़ी बना लेंदा, उन्होंने अपनी लोड़ होंगी जी तूड़ी की, उन्हें अपने पशुओं को तूड़ी पानी जो तूड़ी वो काम आ जाती, उत्थे तो लोड़ पैंदी नहीं जी नाड़ में साड़न की या कुछ करन की। बड़े पद्धर के जिमीदार है 50 किले का जिमीदार 60 किले का जिमीदार, उस फसल में अपना जो मजदूर है तो नहीं कटा सकता, उधर फसल पक्की होंगी, मौसम का कुछ पता नहीं होंदा, उन्होंने होंगे मेरी फसल अंदर आ जाए, वो जल्दी तो जल्दी कंबाइना का कटा, वो नाड़ पिछे रह जाती, नाड़ पिछे रहन करके उन्होंने दोबारे उसे फसल लैन वास्ते खेत तैयार करने वास्ते दिक्कत आती। मैं ये कहना चाहता कि सरकार को कुछ इदा का तरीका उपराला करना चाहिए कि उस नाड़ में किसी ने किसी तरह कोई मशीनरी इदा की होना बिना जलाए तो उन्होंने डिस्ट्रॉय किया जा सके, उन्होंने धरती मिलाया जा सके, खाद बन जाए, ताकि जिमीदार को कोई दिक्कत ना आए, जिमीदार उसको जलाना नहीं चाहता, उसकी मजबूरी है जी।